नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं YouTube की दो अपकमिंग अपडेट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दो अपडेट हैं, एक अपडेट रहेगी जो स्पेशली जो YouTube के क्रिएटर हैं यानी YouTube पे जिनके चैनल हैं वो रेगुलर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, और दूसरी अपडेट है YouTube के सभी यूजर्स के लिए यानी के जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं, कभी कोई वीडियो देखते हैं कभी, या कॉमेडी वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं, या बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं, तो उन सभी यूजर्स के लिए ये वीडियो रहेगी। जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब के यूजर्स हैं, वीडियो देखते हैं, उन सभी के लिए ये चीज़ जो है नई अपडेट आ रही है, और इसको लेकर आप बिल्कुल बहुत संवेदनशील हो जाइए, और अगर कुछ आपकी ऐसी आदत है तो उसकी सुधार लीजिए, ठीक है। सबसे पहली अपडेट जो मैं देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने अपने यूट्यूब पे चैनल बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आदत को सुधार लीजिए, वो उनके लिए है जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिएटर्स के लिए तो खुशखबरी है, क्रिएटर्स के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि जो आपकी YT स्टूडियो की एप्लीकेशन है अब उसमें आपको बहुत चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। अभी आप जब आपको कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक देखना होता है तो आपको क्रोम में जाना पड़ता है, क्रोम में जाके YouTube वीडियो ओपन करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको अपनी वीडियोज पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक वगैरह देखने होते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द YouTube लेके आ रहा है नई अपडेट, और इस नई अपडेट में आप अपने YT स्टूडियो में ही सभी वीडियो पे अपना कॉपीराइट क्लेम अगर किसी की वीडियो पे आया है तो वो सब कुछ दिखाई दे जाएगा, और यूट्यूब स्टूडियो में ही आपकी सारी अर्निंग दिखाई दे जाएगी। ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, जो गूगल एडसेंस का जो सिस्टम है वो तकरीबन चीज़ें वहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगी आपको। और दूसरा, YT स्टूडियो में आपको जो RPM होता है, रिवेन्यू पर माइल, वो अभी से आपको दिखाई देने लग गया होगा। तो यूट्यूब स्टूडियो में बहुत चीज़ें यूट्यूब सारी की सारी जो हम क्रोम पे जाके उनको देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें यूट्यूब स्टूडियो में ही हमारे को देने जा रहा है, एक एक दो दो करके यूट्यूब, ठीक है। तो अब दूसरी जो अपडेट है अपकमिंग जो अभी जल्दी आ रही है वो है यूट्यूब के यूजर्स के लिए जो तरह तरह की वीडियो देखते हैं और उन पर कमेंट करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ पर भी कमेंट करते हैं जिनमें वो गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख रहे हैं और आप वहाँ पर कमेंट करते हैं और गलत कमेंट करते हैं, पहली बात ये कि आपका कमेंट यूट्यूब के जो कीवर्ड्स हैं उनमें आ जाएगा। अगर गलत कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया तो वो कमेंट आपका होगा ही नहीं, और यूट्यूब का एक पूरा मैसेज आपको दिखाई देगा कमेंट करते टाइम, और यूट्यूब आपसे पूछेगा कि क्या भाई ये आपका कमेंट सही है, अगर उसमें कुछ गलत जो शब्द हुए तो। क्योंकि यूट्यूब का जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और यूट्यूब टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल का प्रोडक्ट है, बहुत आगे जा चुका है, वहाँ पर कीवर्ड पहले से सेट होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी को बेवकूफ़ बोलना है तो वो बेवकूफ़ बोल देते हैं, BEBKUF, लेकिन ऐसी चीज़ें भी अब YouTube कवर करने जा रहा है। तो अपना कमेंट सोच समझ के करिएगा, YouTube आप पे एक्शन ले लेगा। अब जैसे ही इस टाइप का कोई शब्द आपके कमेंट में है और आप वो कमेंट कर रहे हैं तो एक बार तो YouTube आपसे पूछेगा कि क्या आप सही हैं, आप सही कर रहे हैं, अगर उसकी पकड़ में आ जाएगा। अगर सिंपल कमेंट आपने कर दिया, वेरी नाइस या बहुत बढ़िया, कोई अच्छी बात आपने बोली, तो कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ऐसा शब्द आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, YouTube आपसे पूछेगा भाई सही कर रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे हाँ यस मैं सही कर रहा हूँ, और आपने वो कमेंट कर दिया, और उस कमेंट की अगर एक भी रिपोर्ट आई तो भाई साहब आप पे यूट्यूब एक्शन लेगा। एक्शन किस तरीके का होगा, जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है हो सकता है वो ईमेल आईडी आप कभी भी YouTube पे यूज ही ना कर पाए, ठीक है। ऐसा पक्का नहीं है, कोई YouTube की तरफ से नहीं है कि वो ईमेल आईडी आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन YouTube कुछ ना कुछ एक्शन आप पर लेगा, हो सकता है कुछ प्रतिबंध आप पे लगा दे। अब देखिए, आप जैसे Facebook पे गलत कमेंट कर देते हैं और उसकी कोई रिपोर्ट कर देता है तो क्या करता है Facebook, आपका 3 दिन के लिए आपके अकाउंट को या तो सस्पेंड कर देता है या कमेंट आपके ऑफ कर देता है, पोस्ट करना भी ऑफ कर देता है। ऐसा ही कुछ YouTube आपके साथ भी कर देगा अगर आपने गलत कमेंट किया तो और सामने वाले ने रिपोर्ट कर दी तो। प्लीज़ यार, अगर किसी की गलत आदत है वो किसी की भी वीडियो देख के ये बिना सोचे कि सामने वाले पे क्या बीतेगा कुछ ऐसे कमेंट करता है तो वो अपनी आदत पहले से ही सुधार लीजिए, क्योंकि अभी तक अपडेट आई नहीं है, आने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी अपडेट थी कमेंट्स को लेकर, और ऑफिशियली जो YouTube ने इसके बारे में अनाउंस कर दिया है बहुत जल्दी लेके आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी जानकारी मैं इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।